bismillahirrahmanirrahim Rahman alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, that we are on chapter number six and the name of our chapter is Light and Sound. Today we I, we are going to discuss about light travels in a straight line. आप ये प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि लाइट जो है ये हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है आज हम इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद सो लिसन टू द स्टूडेंट वेरी केयरफुली एंड देन आंसर दैम सो क्विकली टेल मी वाई वी नॉट सी क्लियरली थ्रू बटर पेपर जो बटर पेपर होता है हम उसमें से क्लियरली क्यों नहीं देख सकते बिकॉज लाइट नॉट प्रॉपरली पास थ्रू इट यानी कि जब किसी चीज में से लाइट प्रॉपर्ली पास नहीं कर सकती इसी वजह से आप उसके अंदर से या उसके थ्रू जो है वो नहीं देख सकते वट आर ओपेक ऑब्जेक्ट एनीथिंग थ्रू विच लाइट केन नॉट पास थ्रू आर कॉल ओपेक ऑब्जेक्ट ओके माई डियर स्टूडेंट्स इन टेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट लाइट एमर्जेस फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन्वेस्टिगेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सो माइडियर स्टूडेंट्स आज जो है बच्चे इस बात को जो है डेमोस्ट्रेट जस्टिफाई कर सकेंगे कि लाइट जो है वो एक सोर्स से इमर्ज करती है स्टार्ट होती है और उसके बाद वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है इसके अलावा ये इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट भी कर सकेंगे यानी कि हम थ्रू एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को शो करेंगे कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है सो so, Now let's move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me, how does light travel? Light travels in a straight line. Very good. Have you observed the sun, light of sun coming from hole of window or a wall? कभी आपने uh, एक room में किसी रोशनदान से या खिड़की के सुराख से light को अंदर आते हुए देखा है? आपने देखा होगा सीधी सीधी जो है वो रोशनी की lines बनी भी होती हैं. So इससे हमें ये पता चलता है कि light जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाव लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स द रीडिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर एटी टू इन योर साइंस आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज नाउ लेट्स द रीडिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पुच यू फिंगर्स वेर आई विल रीड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लेट्स दो माइडर स्टूडेंट्स लाइट जो है जब भी किसी सोर्स से इमर्ज होती है वो कोई भी सोर्स हो यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इसको आज हम एक एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई करेंगे सो एक्सपेरिमेंट नंबर वन ऑन पेज नंबर एटी टू लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सो हम इसकी इंस्ट्रक्शन देखते हैं जो मटीरियल हमें रिक्वयर्ड है हम वो देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म द एसपेरिमेंट डिस्क हाउ डज लाइट ट्रेवल यानी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का पर्पज ये है कि हमें ये पता चल जाए कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कार्ड card. चाहिए स्टिकी टैक्स चाहिए फ्लैश लाइट होल पंचर रूलर एक्सेट्रा एंड द प्रोसीजर इज मार्क देंटर ऑफ इच कार्ड हमें हर कार्ड के सेंटर को मार्क करना है ताकि इक्वल जो है हम उसके अंदर होल्ड करें यूज अ होल पंचर टू पंच अ होल इन कार्ड एट द मार्क

सो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन और इसके बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे सो इन दिस वे आपने अपनी चीजों को सेट करना है तीनों जो कार्ड्स हैं उनको इक्वल डिस्टेंस से होल्स जो है वो इक्वली मार्क होने चाहिए सेंटर में एंड देन वी विल सी द लाइट इफ इट्स ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन और नॉट सो इन इस तरीके से आप जो है इसको अरेंज uh, करेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ आई विल स्विच ऑफ द लाइट एंड आई विल शो यू कि किस तरीके से जो है वो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी एंड आफ्टर दैट हम इन क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करेंगे हाउ कैन लाइट ट्रेवल हाउ कैन लाइट बी सीन थ्रू ऑल इंडेक्स कार्ड वट डज द एक्सपेरिमेंट प्रूव अबाउट द लाइट पास वट वुड हैपन ए फोल्स वर स्मॉल वट वुड हैपन ए फोल्स वर नॉट अलाइंट सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली अरेज द मटीरियल मैंने सारी तमाम चीजों को अरेंज किया हुआ है मैं आपको दिखाती हूं अभी सो यू नीड अ फ्लैश लाइट कार्ड एंड वी विल मेक द होल्स इन देंटर सो माई डियर स्टूडेंट आप लाइट एक दफा मैं ऑन करके आपको दिखाती हूं ओके okay. सो है यू कैन सी द कार्ड्स दीज आर द कार्ड्स इन तमाम के दरमियान में जो है वो इक्वल जो है मैंने सेंटर से होल्ड किए हैं और लास्ट में मैंने एक कार्डबोर्ड जो है विदाउट होल रखा है ताकि लाइट जो है इसके ऊपर जब पड़ेगी तो आपको नजर भी आएगी कि लाइट uh, जो है इट इज ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन ओके सो माई डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम फ्लैश लाइट मेरे पास है फ्लैश लाइट मैं इसको ऑन करूंगी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दूंगी एंड वी विल सी ओके ना वी विल स्विच ऑफ द लाइट एंड फ्रॉम द वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड आप देख सकते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन दाइन और जो सामने कार्डबोर्ड है जिसमें कोई होल नहीं है रिफ्लेक्शन आपको लाइट का जो लाइट uh, है आपको उसमें पड़ती हुई नजर आ रही है इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन टेल दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि तमाम होल्स जो है वो एक ही पोजिशन पे है अच्छा फॉर एग्जाम्पल वॉट पीविल डू नाउ इज अगर मैं होल को जरा सा मूव कर दूं, ठीक है हम सेंटर होल को या कोई भी एक कार्ड को हम अगर होल जो है उसका मूव कर दें तो वी विल सी दैट व्हाट विल हैपन ठीक है देन वी विल सी के इज इट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ओके मैं इसको यहां से निकालकर एडजस्ट कर दूंगी थोड़ा सा साइड पर इस कार्ड को ओके नाउ लेट्स के व्हाट विल हैपन अगेन वी विल स्विच ऑफ द लाइट्स और अब आप देखें कैन यू सी द रिफ्लेक्शन जो कार्डबोर्ड बिल्कुल लास्ट में है उस पे यू कैन नॉट सी द रिफ्लेक्शन लाइट वहां नहीं पड़ रही बिकॉज जो लास्ट कार्ड है हमने उसको मूव कर दिया और तमाम जो लाइट है वो उसके ऊपर इधर पड़ रही है अगर ये होल अलाइन होते तो हम ये बात कह सकते थे दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल द होल्स सो so, कोई एक भी होल अगर आप मूव करेंगे तो लाइट जो है वो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा उसका जो लाइट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी सो माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस वे वी कैन सी से दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सो हाउ कैन लाइट बी सीन थ्रू ऑल इंडेक्स कार्ड बिकॉज ऑल द होल्स वर अलाइंस यानी कि एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में थे वट डज द एक्सपेरिमेंट प्रूव अबाउट द लाइट पाथ इट प्रूव दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट वुडन एफ होल्स वो जो लाइट का इमेज आपको एंड में नजर आ रहा है तो क्या होता अगर ये अलाइन ना होते तो आपकी लाइट जो है वो वो क्या होती वो इधर ही रुक जाती यहां तक ना पहुंचती बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन वो ब्लॉक हो जाती है यहां सो माई डियर स्टूडेंट्स इन दिस वे वी कैन नाउ से दैट लाइट इज ट्र स्ट्रेट लाइन ये एक्सपेरिमेंट घर में भी आराम से होता है ऑल यू नीड इज थ्री कार्ड टेप से मैंने इनको अलाइन किया है स्ट्रेट इनको जो है वर्टिकली खड़ा किया है उसके बाद जो है होल्स जो थे वो मार्क करके आप आराम से स्केल से मेजरमेंट करके आप इनको जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं सो इन दिस वे वी कैन से दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me how does light travel. Now we can say practically demonstrate hai, that light travels in a straight line. Okay, my dear students, next is the time for the practice for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So you have to write down your name and the class, and then what you roll number, and then what you need to do is Get three index cards, make hole in them and make sure holes are lined up. Place them on an object that they can stand upright. Now shine a flashlight on them through the hole. So R again you will perform it.. Then what do you notice? How does light travel? We have noticed that light travels in a straight line. then now move one of the cards slightly out of the line. What happens? The light will be blocked. Light, jo hai, is, se block or be blocked. And you will not be able to view it. Okay, my dear students. For homework, you will do home activity given on page number eighty two, and you will do question number one from section B given on page number ninety. You will also do question number four from section C given on page number ninety. So, my dear students, home activity says that when there is no light in your room, turn a flashlight on, move your hands around the torch near or far what do you observe describe in your notebook so you will observe the shadow and you will see that the shadow will be uh, the size of the, of the shadow will be changed with the uh, movement of the flashlight okay my dear students now is the time for wrap up for wrap up uh, you uh, today we have learned that light coming from source always travels in a straight line सो माई डियर स्टूडेंट्स नाव यू कैन प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट नाउ यू आर फुली यू कैन जस्टिफाई दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जब भी आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई कर देते हैं उसके बाद आप इस चीज़ को आपको यह चीज हमेशा मेमोराइज लेगी कि किस तरीके से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ है गुड डे थैंक यू सो मच अनु